मुर्दाबाद, अमृतपान मुर्दाबाद, खालिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय शहीद आजम जैन सिंह अमर रहे, खालिस्तान खालिस्तान मुर्दाबाद, अमृतपान मुर्दाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद, हरियाणा पुलिस जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, गोली मारो गोली मारो, अमृतपाल को गोली मारो गोली मारो गोली मारो, पाकिस्तान मुर्दाबाद। अजनाला थाना पर कब्जा कर पुलिस को जख्मी करने वाले खालिस्तानी अमृतपाल का आज हरियाणा पंजाब बॉर्डर शंभू टोल प्लाजा पर पुतला जलाया गया। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शौंडिल्य और उनकी पूरी टीम के द्वारा अजनाला थाना पर कब्जे के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए वीरेश शौंडिल्य ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से 370 खत्म किया, उसी तरह पंजाब से खालिस्तान और अमृतपाल को जड़ से उखाड़े। साथ ही सोमवार तक खालिस्तान की मुहिम चलाने वाले अमृतपाल पर एफआईआर दर्ज ना हुई तो हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। आज हमने अमृतपाल का पुतला फूंका, जो हिंदू सिख भाईचारे के लिए एक कलंक है, जो पंजाब में फिर आतंकवाद फैलाने के लिए आया है, जो पंजाब में पाकिस्तान की आईएसआई के साथ मिलकर पाकिस्तान के आतंकी संगठनों लश्कर ए तोयबा जैसे मोहम्मद जैसे हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों के साथ मिलकर फिर पंजाब की सड़कों को खून से लाल करना चाहता है। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया ने जो अजनाला के अंदर, ये पहला मौका है जब से देश आज़ाद हुआ है 1947 के बाद, कि 1947 के बाद पुलिस थाने में कब्जा करके पुलिस वालों पर हथियारों से हमला किया गया, लेकिन पंजाब पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। मैंने 48 घंटे का टाइम दिया जो कल पूरा हो जाएगा। अगर कल तक या आज तक मुकदमा दर्ज नहीं होता अमृतपाल सिंह के खिलाफ और जो तिहाड़ जेल में नहीं गिरा जाता ऐसे आतंकवादी का, तो इनकाउंटर कर देना चाहिए, गोली मार देनी चाहिए, जो राष्ट्र के तिरंगे को चुनौती दे, कहता मैं भारतीय नहीं हूँ तू जा फिर पाकिस्तान जा। ऐसे व्यक्ति को मेरे सामने अगर दो दो हाथ हो जाए, अगर ये पाइएगा अमृतपाल सिंह, अगर मेरी कच्छ से भी निकल जाए, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, इसको पंजाब के हिंदू सिख भाईचारे को इसको वैसे ही मौत के घाट उतार देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति देश के लिए, संविधान के लिए, भारतीय तिरंगे के लिए, पंजाब की अमन और शांति के लिए, पंजाब के भाईचारे के लिए, कल इसी जहां मैं खड़ा हूं वॉकिंग डिस्टेंस पे यहां खालिस्तान का झंडा लहराया गया। इससे पहले हिमाचल में, धर्मशाला में, शिमला में हमने प्रदर्शन किए जाकर। अमित शाह जी, जैसे आपने 370 खत्म करके हिंदुस्तान में एक तिरंगा एक विधान दिया, ऐसे ही अमृतपाल को खत्म करके भारत से खालिस्तान नाम की चीज को मिट्टी में मिला दो, ताकि हिंदू सिख भाईचारा मजबूत रहे और कोई व्यक्ति सपना कल्पना भी ना कर सके कि पंजाब में कभी खालिस्तान बनेगा। ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर हमारा पेज फॉलो करें और अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।